हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मेथी और बथुआ के पराठे। तो ये मेथी और बथुआ के पराठे मैंने किस तरीके से बनाए हैं, आज वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये मेथी और बथुआ के पराठे बनाना बहुत ही आसान है। और सर्दियों का टाइम है, जैसे कि आप जानते होंगे, इस टाइम पर कितनी सुंदर सुंदर हरी सब्जी आती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मैंने ये कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मेथी और बथुआ मैंने दोनों को ही एक साथ मिक्स कर लिया है और इनको वॉश करके रखा है। और वॉश करने के बाद मैंने इसे कढ़ाई में ऐड किया है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी और नमक ऐड करने के बाद मैं इसे एक अच्छा सा बॉयल दूंगी। और बॉयल देने के बाद मैं इसे रख दूंगी साइड में ठंडा होने के लिए। तो आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो जब ये बॉयल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसका जो पानी है उसे ड्रेन आउट कर दूंगी और जो मेथी का जो साग है उसे मैं साइड में रख लूँगी। और इसके साथ साथ हमें जो मसाले लगेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक बोल में लिया है सूजी 2 चम्मच के बराबर, साथ में लिया है मैंने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ पर लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और उसके साथ में ही मैंने ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून के बराबर यहाँ पर हींग। तो हींग जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड कर दूंगी जो आप देख सकते हैं, ये जो मेथी और बथुआ था मैंने उसको कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, जैसे कि आटा गूंदने के टाइम पर ये इजी रहे। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी सूखा आटा। तो ये जो आटा है ये है गेहूं का आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मुझे इसमें कोई पानी मिक्स नहीं करना है, बस इसी से यानी जो साग है उसी से ही हमें इसे गूंथना है। तो ये मैंने इस तरीके से गूंथ के रख लिया है और इसमें हल्का सा ऊपर से मैंने तेल जो होता है वेजिटेबल ऑयल वो स्प्रेड कर दिया है। और 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे साइड में रखूंगी। और अब हम स्टार्ट करेंगे पराठे बनाना। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो पराठे बनाने के लिए आप चाहें तो इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्राइंगल शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप दे सकते हैं या राउंड शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा राउंड शेप दिया है। और जितना जिस तरीके का मतलब इसका थिकनेस आपको पसंद हो आप ऐसा बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा मोटे पराठे नहीं बनाए हैं, मीडियम साइज़ के बनाए हैं। और आप देख सकते हैं इस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा कर इसे मैं बना रही हूँ तवे पर। तो इस तरीके से ही मैंने पराठों को बेला और पकाया। तो बनाना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कितना ईजली ये बन रहे हैं। और मेथी और बथुआ दोनों ही मिक्स करके जब भी आप ये पराठा बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी होगा। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सर्दी के टाइम में ये सारी सब्जियां बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पराठे बनकर रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथी और बथुआ के पराठे बनकर रेडी हैं। और आप चाहें तो इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं, चटनी के साथ या फिर मेयोनीज के साथ या सॉस के साथ। तो मैंने एक टमाटर की चटनी बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैं इस चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये मैंने जो चटनी के संग खाया था वो थी टमाटर की चटनी, तो उसके संग बहुत ही टेस्टी लगा था। तो आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी आज की ये मेथी बथुआ की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।